राम राम सर जी। राम राम। राम राम शिवराज जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आनंद मंगल है सर। आपका आशीर्वाद है किसान मित्रों का, परमात्मा और माता पिता का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी मालिक। अभी हुआ क्या सर, जैसे कि अभी इस 7-8 दिनों में लहसुन में 7-8 हजार रुपए तेज हो गए थे, और जी और पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा एक करेक्शन आया है 1500-2000 रुपए का, और कुछ कुछ मामलों में 2500 रुपए तक का भी। तो ऐसे में किसान मित्रों में बड़ी घबराहट सी हो गई है कि यार मंडियों के बाहर अभी बाहर लाइनें लगी है, यानी कि आज पिपलिया मंडी अभी भी आज की कंडीशन में भी 100 गाड़ियां बाहर प्रतीक्षा में। तो एक तो ये किसान मित्रों को थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करे कि कोई घबराहट की जरूरत है नहीं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवकों का प्रेशर है, इसी कारण से मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन हुआ है। नहीं सर, ये करेक्शन एक आना ही था। अच्छा, लेकिन ये घबराहट ज्यादा है किसान जी। ये करेक्शन आना था पैसे का, पैसे का आना था एक। हाँ, और एक जो एकदम से 10-50-60 रुपए बढ़े थे जी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रुकना भी होता मार्केट, तो रुका कम टूटा ज्यादा। रुका तो था ही नहीं, एकदम टूटना चालू हो गया जी। और कुछ घबराहट हो गई मार्केट में, एकदम से एक देखा देखी में मार्केट टूटना चालू हो गया जी। कहीं भी दूर दूर तक जी घबराहट नहीं है, उल्टा अगर मार्केट में 30-40 में मुद्दा है तो ये खरीदने का टाइम है, ये बेचने का टाइम नहीं है। अच्छा, आप ये बताए ना कहाँ तक घबराहट है, घबराहट है किस चीज की? सही भाई, घबराहट किस चीज की है, कहाँ दूर दूर तक कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई नया लक्ष्य निकलने वाला, अभी तो बुआई भी नहीं हुई जी जी जी। विदेशी माल आ रहे हैं, विदेशी माल के पीछे 2 नंबर वाले के पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है। बाजार बोल रहा हूँ अपने अपने इलाकों में, जहाँ आपको लगता है 2 नंबर का माल है उसके आप कम्प्लेन करिए, पुलिस एक्शन लेगी। तो भाई साहब, आप लोग एकदम से घबरा जाते हैं, कहीं दूर दूर तक घबराहट नहीं है जी। अभी हमारे पास बहुत बहुत समय है, 4 महीने का समय है जी, आराम से बेचिए। नया लहसुन जिस हिसाब से बारिश हो रही है, हमको नहीं लगता 5-10 जनवरी से पहले आएगा। सही है, सही है। तो इसलिए अभी बाकेला समय है साथ, और फिर अगर अभी जल्दी आपने निपटा भी दिया, चलो जी, तो लड़ोगे कैसे विदेशियों से? मजा तो वो ले लेंगे, जो मजा आपका लेने का समय है मजा वो ले लेंगे, हम बन रहे हैं और वो मजे लेंगे। आप देखे समझे आप कि अब आगे बिक्री खुलने के टाइम आ गए, कई मेटर इसमें काम करेंगे, सर्दी आएगी उसमें लहसुन की बिक्री 1.5 गुना बढ़ती है। तो आप कहा अभी लहसुन बेचोगे तो बाद में क्या खड़े होकर फिर ये देखोगे कि हमारा वाला ही था जो हमने मध्य में भेज दिया था या घबरा के भेज दिया था, आज ये बंदा 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो ऊपर करके बेच रहा है। सही, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, और शिवराज जी मैंने बोली थी कि जितना टूटेगा उससे डबल बढ़ेगा। अच्छा, इंटरव्यू देख रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल, बताया मैंने तब भी बोला था कि जितना टूटेगा उससे डबल बढ़ेगा जी। तो भाई साहब बिल्कुल भी बेचिंतित हो जाइए, वही घबराहट नहीं है। उल्टा आपको अगर मद्दा मिलता है कहीं 40 रुपए कहीं 50 रुपए किलो मद्दा मिलता है तो ले लीजिए आप लहसुन, शॉर्ट टर्म गेम खेल लीजिए। सही बात, जब बाजार प्लस हो बेच दो, बस प्लस होगा ही होगा जी। क्योंकि एकदम से जब मार्केट में माल आया उस वजह से मार्केट टूटा है, नहीं तो कहीं टूटने की दिक्कत नहीं दिख रही दूर दूर तक, तो वजह तो बताइए टूटने की। आगे तो वही तेजी का रुझान ही चलने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी में भाव थे वो भाव अभी अगस्त एंडिंग में देखने को मिले सर। अब आप देखिए ना, तो वो अभी मिल गए तो आगे तो ठंड का भी टाइम आ रहा है, उसमें भी तो माल सही है जी, आपकी लागत डबल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तब क्या करेंगे? सही है, अभी तो समय भी है, 4 महीना। बिल्कुल, तो इसलिए बिना घबराहट के सर आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करिए निकालने की जी। और अगर मुद्दा मिलता है जी, अब जैसे कल मेरे को 2-3 किसानों का कॉल था जी, उन्होंने माल नहीं बेचा, उनका माल बिका था उन्होंने वापस किया और मेरे को कॉल किया कि भाई साहब ये माल इस बार बेच रहे हमारा मन नहीं है, लेकिन इस बार बेचना नहीं चाहिए। तो 4 दिन पहले आप क्या हुआ उसको बेच रहे हैं, और 4 दिन में ऐसा क्या हो गया जो आप उनका 40 रुपए किलो मुद्दा बिक रहा था?
उन्होंने वापिस किया, माल वापिस उन्होंने कटवा दिया। तो भैया आराम आराम से बेचो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और घबराहट किसी चीज की है नहीं। और जिसको घबराहट होगी हो थोड़ा आराम से बैठो अपने 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 गाँव में पेड़ के नीचे, ठंडी ठंडी हवा लो, चाय पियो, शांत दिमाग से बैठो और बात करेंगे चार दिन पांच दिन बाद फिर वीडियो देखते आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं दादा मना कर रहा हूँ। और बाकी सोयाबीन क्या रेट चल रहा भाई साहब? सोयाबीन सर अभी 7-8 दिनों की अगर बात करते, 7-8 दिनों पहले जो बिक्री थी 4800, 4141, 4443 कोई माल बिक रहा था। आज कंडीशन ये है कि 4344 और 4545 तक आज पिपलिया मंडी में बिका है। सुधार रहा है सोयाबीन पिछले 8 दिनों की अपेक्षा अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कारण होता है? और ये भगवान ने क्या ऑल ऊपर हो जाएगी सोयाबीन और जल्दी हम 50 को क्रॉस कर लेंगे जो हमारे को लगता है। अच्छा अच्छा, पीछे पीछे तक बातें पहुंची है, किसान भाइयों ने जो मेहनत की है उसकी भी मेहनत पीछे तक गई है जी, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था वो भी पीछे तक गया है और उम्मीद है बहुत जल्दी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो इसलिए वहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। सोयाबीन वाले किसान मित्रों के लिए भी देखो बढ़िया खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस बात को लेकर ही वीडियो को लाइक और खोराना सर के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे रॉयल किसान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी सर, बाकी भाई साहब आराम आराम से बेचो, हमारा अभी 4 महीना है, घबराहट नहीं है, कहीं दूर दूर तक घबराहट नहीं है, आराम आराम से चलिए और बहुत जल्दी आपके साथ बैठ के चाय पीने आऊंगा। अच्छा अच्छा, फिर जी जी, तो लहसुन में भी तेजी आनी है जैसे कि आपने बताया था 400, तो 400 लगभग लगभग बिका ही है मंसूर मंडी में, बेस्ट क्वालिटी के माल थे, एवरेज माल अभी इस तेजी में बिक गए हैं 30 से लगाकर 35 के बीच में काफी ज्यादा लोड बिके हैं पिछले मंडी में भी। आपने जो कहा था वो तो लगभग लगभग अभी हो चुका है, अब आगे क्या संभावनाएं लग रही है? यहाँ से प्लस में जाएंगे फिर यहीं पर अब मार्केट झूलेगा? नहीं नहीं सर, जितना अभी आप लोगों ने 3 दिन में तोड़ा इससे डबल होगा। अभी ये टूटे जाने की अभी 3,000 रुपए टूटे 6,000 बढ़े, अगर 30 रुपए किलो टूटा है तो 60 रुपए किलो बढ़ेगा, 40 रुपए किलो टूटा है तो 80 रुपए किलो बढ़ेगा, डबल जंप मारेगा, मतलब शेर 2 कदम पीछे ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि शेर डर गया है, मतलब लंबी छलांग लगाने वाला है। बिल्कुल डर नहीं है, वो लंबी छलांग लगेगी जी, हमारे पास बतेरा समय है 4 महीने का, इसलिए चिंता नहीं करी है जी। जी तो आपने तो बड़ी खुशखबरियां दी है सर, दो दो, एक तो सोयाबीन किसान मित्रों के लिए और लहसुन किसान मित्रों के लिए, क्योंकि लहसुन में काफी घबरा रहे थे और सोयाबीन में भी किसान मित्र घबरा रहे थे क्योंकि 1 महीने बाद नई क्रॉप मंडियों में आ जाएगी, तो फिर डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 3500-3000 बिके तो फिर पता चले कि इनको घर पे पशुओं को। सोयाबीन में नई क्रॉप में भी मैं बता दूं जी, एक रोग लगा हुआ है तो उससे भी फसल थोड़ा कम बैठेगी इस बार सोयाबीन। अच्छा, जो किसान भाई बता रहे हैं आपको भी जानकारी होगी कि कहीं कहीं रोग भी लग रहा है सोयाबीन में। हाँ रोग तो है, पर जहाँ तक हमारे क्षेत्र में बात करते हैं तो सोयाबीन ठीक ठाक चल रही है सर, यहाँ तो उत्पादन क्या? हम तो बोल रहे हैं कि पिछले साल तो उत्पादन ज्यादा ही आना है। अच्छा अच्छा, देखिए हमारे जो किसान भाई बता रहे हैं, मैं जो जो जानकारी पहुंचे मैं वो बता रहा हूँ, कहीं कहीं फसल खराब भी होने की सूचना मिल रही है। अच्छा अच्छा, हाँ तो पूरा मध्य प्रदेश में होती है तो होते होंगे इलाके से। हाँ बरोबर, मेरी लाइन नहीं है लेकिन ये सिर्फ एक मेरे को इसमें एंट्री करनी पड़ गई। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन में थे सब, तो मैं कहा चलो अगर कुछ हमारे लिंक है तो वहाँ तक बात पहुँचाई जा सकती है, आगे सरकार सुने ना सुने अलग बात है, लेकिन वहाँ पे भी हलचल हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसी का रिजल्ट रहा है कि 200-300 रुपए प्लस सोयाबीन देखने को मिले हैं पिछले 2-3 दिनों में सर। हाँ वहाँ तक बातें पहुंची है और वहाँ पे आप देखना बहुत ही अच्छा कदम उठाने जा रहा है जी। जी यार सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी बढ़िया खुशखबरियां देने के लिए और किसानों के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वाकई तारीफ काबिल है। और किसान मित्रों, आपको भी खुराना सर का पूरा दिल खोल के सपोर्ट करना चाहिए, इनके हर वीडियो में कमेंट करिए सर के, और इन सर का भी हौसला बढ़ाया है ताकि कहीं ना कहीं आदमी कभी अगर डिमोटिवेट हो जाता है तो कमेंट पढ़ के ही मोटिवेट हो जाते हैं। फिर डिमोटिवेट वाली बात है कि जहाँ कोई ग्रुप, कहीं कोई लॉबी, कहीं कोई सिंडिकेट नाराज होता है जी, तो सीधा उनको मैं ही दिखता हूँ, सबका फोकस मेरे पे है। बरोबर बरोबर, सही बात है कि पूरा मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह ये सब कुछ।
अरे बहुत उल्टे उल्टे कमेंट्स है सर, बहुत उल्टे उल्टे कमेंट्स है, बहुत धमकियां है, कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ठीक है हम तो बैठे प्रभु के चरणों में और समस्ती से किसानों को देखी जाएगी जो होगा। सही बात है जी, नेकी करने वाले का तो ईश्वर फिर पूरा ख्याल ही रखता है सर। बिल्कुल बिल्कुल मालिक, उन्हीं के चरणों में बैठे हुए साहब। जी 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 सर जी, तो ठीक है आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक कीमती समय देने के लिए। ठीक है मालिक, और राम राम जी। जी राम राम सर, राम राम सर।